हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएस आईटी गाजियाबाद। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने एनवेलप के बारे में आपको बताया था कि वन पैरामीटर ऑफ फैमिली के लिए और टू पैरामीटर ऑफ फैमिली के लिए कैसे आप एनवेलप फाइंड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। किसी कर्व का इवोल्यूट क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं। ओके, तो इसमें लिखा है इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। द इवोल्यूट ऑफ ए कर्व, अगर आप किसी कर्व के लिए इवोल्यूट निकालते हैं, इज द कर्व, एक ऐसा कर्व है विच इज एन एनवेलप, जो कि एक एनवेलप है ऑफ इट्स नॉर्मल, इसके नॉर्मल का एनवेलप बनेगा। ओके, फिगर में जैसे देखिए, मान लेता हूं कि ये मेरा कोई कर्व है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ये मेरा कोई कर्व है, जो ग्रीन लाइन से है ये हमारा कोई कर्व है। ओके, मैंने इस पे कोई पी पॉइंट आर्बिट्रेरी लिया इस तरीके से, यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला है ये मैंने इसको पी पॉइंट माना है। पी पॉइंट पर मैंने इस कर्व के लिए टेंजेंट बनाई, जो कि आपको ये पर्पल कलर से दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ये इसमें टेंजेंट होगी, तो पी पॉइंट पर हम इस टेंजेंट के लिए नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होगा आपका, नॉर्मल हो जाएगा हमारा, इस पी पॉइंट पर अगर नॉर्मल डालोगे तो ये नॉर्मल कहलाएगा, ये क्या होगा इसमें हमारा नॉर्मल। तो इस कर्व के लिए जो इवोल्यूट होगा वो क्या होगा, इस कर्व के लिए आपने पी पॉइंट माना, पी पॉइंट पर नॉर्मल डाला, नॉर्मल का जो एनवेलप होता है यानी कि इस नॉर्मल को जो टच करेगा कर्व, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्व बनाया है ब्लू कलर से, जो अभी मैंने दोबारा फिर मार्क किया है, ये जो वाला, ये जो हमारा कर्व है ये इस नॉर्मल के लिए एनवेलप कहलाएगा। ये जो नॉर्मल आपका है इसके लिए क्या कहलाएगा, एनवेलप। और इस कर्व के लिए ये कहलाता है हमारा इवोल्यूट। क्या कहलाता है इस कर्व के लिए, इवोल्यूट। ओके, कर्व के नॉर्मल का एनवेलप, कर्व के नॉर्मल का एनवेलप क्या कहलाता है, इवोल्यूट ऑफ द कर्व। ठीक है, तो कर्व बनाना है, उस पे कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर आपको नॉर्मल डालनी है, नॉर्मल का एनवेलप बनाना है, और एनवेलप जब बनाएंगे तो वो कर्व के लिए क्या काम करेगा, इवोल्यूट का काम करेगा। ये होती है इवोल्यूट की डेफिनेशन। ओके, और अगर किसी पॉइंट पर आपको कर्व के लिए नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो नॉर्मल जो इक्वेशन, नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो आपने इंटर में पढ़ी होगी, वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई और x माइनस एक्स वन इंटू में। यह आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। अगर आपको किसी पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से नॉर्मल निकालेंगे पहले, फिर उसका एनवेलप निकालेंगे, और वो फिर उससे एवोल्यूट बन के आएगा कर्व का। ओके, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम आपको फाइंड करना है, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। आप जानते हैं कि ये जो हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला होता है, जैसे कि मैंने फिगर में लिखा है। इस पे मैंने एक पी पॉइंट कंसिडर करना है। चलिए, मैंने यहाँ पे एक पी पॉइंट कंसिडर किया, ये पॉइंट मेरा पी पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा पी पॉइंट है, और सॉरी, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कि सर्किल पर, सॉरी इलिप्स पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट, तो वो होता है ए टी स्क्वायर टू ए टी। ये पॉइंट मैंने इधर साइड में लिखा है, ये पी पॉइंट है हमारा, जो मैंने डार्क स्पॉट दिया है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का, ये पी पॉइंट है इस पैराबोला पर, और ये हमारा इसके पॉइंट क्या होंगे, ए टी स्क्वायर टू ए टी। फिर हमने क्या करना है, इस पी पॉइंट पर पहले टेंजेंट डाल लेता हूँ। तो अगर इस पी पॉइंट पर आप टेंजेंट डालते हो तो वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगी, वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगी, जो इस पी पॉइंट को टच करती हुई जाएगी। ये जो टेंजेंट है ये इस पी पॉइंट को टच करती हुई जाएगी इस तरीके से। ओके,
फिर हमने कर्व पर पी पॉइंट माना है, तो इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल कैसे ड्रा होगा? नॉर्मल होगा इसका जो इस टेंजेंट से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ये जो पी पॉइंट आपका है, इस पे आपने नॉर्मल डालना है, और टेंजेंट नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है पहले, 80 स्क्वायर 280 पॉइंट को यूज करके, और फिर जो इस पर एनवलप बनेगा, इस नॉर्मल के लिए जो एनवलप होगा, उस एनवलप को मैंने मान लिया कि हमारा एनवलप ये बना, ओके, वही हमारा क्या कहलाएगा, इवोल्यूट कहलाएगा। किसके लिए? इस पैराबोला y square equal to 4x के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो गिवन है वो आपको एक पैराबोला गिवन है, और वो है y square equal to 4ax। लेट एक p पॉइंट माना, p पॉइंट है हमारा at square 280 b एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। हमने मान लिया कि हमारा पी पॉइंट है पैराबोला पर। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन ड्रा करनी है। ओके, कैसे करेंगे? नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल की इक्वेशन ड्रा करें तो फॉर्मूला होता है, अभी बताया था आपको, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ओके, और x माइनस एक्स वन। ओके, ये आपको क्या देगा, y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू 280 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये निकालना है अभी, और x माइनस एक्स वन, x माइनस एटी स्क्वायर। अब आपको डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, कैसे निकलेगा साइड में बता देता हूँ। x हमारा है एटी स्क्वायर, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, वो आएगी 280। y हमारा है 280, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी हमारी 2a। बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो उससे आपको डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकल जाएगी, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी टी। दोनों को डिवाइड कर देना इसको और इसको, 2a से 2a कट जाएगा, टी वैल्यू आएगी। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो इससे आपको मिलेगा, इससे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि y इक्वल टू एक्स टी y इक्वल टू प्लस 280 और प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, शायद यही बनेगी, y माइनस वाई वन, और ये आपका माइनस टी डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, और ये मिलेगा x माइनस ए टी स्क्वायर। तो इससे आपको मिलेगा माइनस टी एक्स, सॉरी ये माइनस का होगा, ओके, और ये मिलेगा आपको, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये ए टी की पावर 3। ओके, ये आपको मिल जाएगा, और ये हमारी किसकी इक्वेशन होगी, ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है तो इसका एनवलप निकालना है, यहाँ पे टी को पैरामीटर मान के चलना है, वेयर टी इज पैरामीटर। ओके, अब टी अगर पैरामीटर है तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ डाल देता हूँ 1। मेथड फर्स्ट लगाएंगे एनवलप निकालने का, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, इससे आपको मिलेगा पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स वाई को कांस्टेंट मानेंगे तो वाई का जीरो माइनस एक्स कांस्टेंट टी का वन प्लस टू ए कांस्टेंट टी का वन प्लस ए थ्री टी कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। इससे मैं निकाल लेता हूँ किसकी वैल्यू, इससे मैं निकाल लेता हूँ टी स्क्वायर की वैल्यू, और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स माइनस टू ए अपॉन थ्री ए। इक्वेशन टू डाल देंगे, वैल्यू इक्वेशन वन में यूज कर देंगे, यूजिंग टू इन वन वी गेट, इससे आपको मिलेगा y इक्वल टू, पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ उस इक्वेशन को, वो मिलेगी आपको माइनस एक्स प्लस टू ए ओके और प्लस ए टी स्क्वायर और बाहर t, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायरिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसमें हम क्या करते हैं हाँ इसमें ऐसा कर लेते हैं कि माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा ओके। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ही देगा आपको, यानी कि x माइनस टू ए और माइनस ए टी स्क्वायर और इंटू में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस टू ए और माइनस ए टी स्क्वायर की वैल्यू x माइनस टू ए अपॉन थ्री ए और इंटू में आपको मिलेगा x माइनस टू ए अपॉन थ्री ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर किया है ना तो स्क्वायर आएगा बाहर भी, तो बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है, इससे आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मिलेगा आपको ए से ए कट जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस सिक्स ए प्लस टू ए फोर ए का होल स्क्वायर अपॉन नाइन इंटू एक्स माइनस टू ए अपॉन थ्री ए और सॉल्व करके आपको मिलेगा 27a वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स माइनस टू ए की पावर 3 और यही हमारा हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड एनवलप ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का एनवलप है और जो नॉर्मल का एनवलप होता है वो कर्व का क्या होगा, वो पैराबोला का इवोल्यूट होगा। दिस इम्प्लाइज इवोल्यूट ऑफ पैराबोला, पैराबोला का इवोल्यूट होगा। तो आपको करना क्या है, कर्व के किसी पॉइंट पर नॉर्मल का एनवलप निकालना है, वही इवोल्यूट होता है। एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, इवोल्यूट फाइंड करना है इलिप्स का, तो इलिप्स को इक्वेशन वन डाला, इलिप्स पर कोई पॉइंट मैंने माना x इक्वल टू ए कोस थीटा y इक्वल टू बी साइन थीटा, ये होता है। इस पर नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल के लिए नॉर्मल का फॉर्मूला, और फिर ये मैंने जैसे अभी किया था थीटा यहाँ पे पैरामीटर होगा, इसमें नॉर्मल की इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी, ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी, यहाँ पे थीटा पैरामीटर आएगा। बिल्कुल सेम तरीके से है, एक्स वाई माइनस वाई वन वाला जो फॉर्मूला है नॉर्मल का उसको मैंने यूज़ किया और पॉइंट आपके पास है एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, टी भी मान सकते हैं थीटा की जगह पे, पैरामीटर कुछ भी बना सकते हैं, इक्वेशन टू बन जाएगी। फिर इसमें भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ए एक्स सेक थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस हो जाएगा इक्वल टू जीरो, सॉल्व करके आपको टेन की पावर थ्री थीटा इसके बराबर आएगी और टेन थीटा का मतलब ये हो जाएगा। फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर उसमें साइन थीटा कोस थीटा निकाला और ये दोनों वैल्यू इक्वेशन वन में यूज कर दी। इस तरीके से, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको एनवलप में भी कराया था।
बस फिर यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे, और काटने के बाद सॉल्व करके ये मिलेगा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, जिसमें थीटा नहीं होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड एवेल्यूट हो जाएगा किसका, ऑफ इलिप्स का। ये इलिप्स के लिए क्या कहलाएगा, इवेल्यूट। ओके, तो इस तरीके से आप इवेल्यूट किसी भी कर्व के लिए फाइंड कर सकते हैं, ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।